चंद्रशेखर आजाद 23 जुलाई 1926 - 27 फरवरी 1931 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानी थे। वे शहीद राम प्रसाद बिस्मिल व शहीद भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों के अनन्यतम साथियों में से थे। शहीद पंडित चंद्रशेखर, चंद्रशेखर आजाद का जन्म भाभरा गांव, अब चंद्रशेखर आजाद नगर, वर्तमान अलीराजपुर जिला में एक ब्राह्मण परिवार में 23 जुलाई 1906 को हुआ था। 3-4 उनके पूर्वज ग्राम बदर का वर्तमान उन्नाव जिला बैसवारा से थे। आजाद के पिता पंडित सीताराम तिवारी अकाल के समय अपने पैतृक निवास बदरका को छोड़कर पहले कुछ दिनों मध्य प्रदेश अलीराजपुर रियासत में नौकरी करते रहे, फिर जाकर भाभरा गांव में बस गए। यही बालक चंद्रशेखर का बचपन बीता। उनकी माँ का नाम जगरानी देवी था। 5 आजाद का प्रारंभिक जीवन आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में स्थित भाभरा गांव में बीता, अतः बचपन में आजाद ने भी बालकों के साथ धनुष बाण चलाए। इस प्रकार उन्होंने निशानेबाजी बचपन में ही सीख ली थी। बालक चंद्रशेखर आजाद का मन अब देश को आजाद कराने के हिंसात्मक उपायों से हटकर सशस्त्र क्रांति की ओर मुड़ गया। उस समय बनारस क्रांतिकारियों का गढ़ था। वह मन्मथनाथ गुप्त और प्रणवेश चटर्जी के संपर्क में आए और क्रांतिकारी दल के सदस्य बन गए। क्रांतिकारियों का वह दल हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के नाम से जाना जाता था। चंद्रशेखर आजाद ने एक निर्धारित समय के लिए झांसी को अपना गढ़ बना लिया। झांसी से 15 किलोमीटर दूर ओरछा के जंगलों में वह अपने साथियों के साथ निशानेबाजी किया करते थे। अचूक निशानेबाज होने के कारण चंद्रशेखर आजाद दूसरे क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने के साथ साथ पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के छत नाम से बच्चों के अध्यापन का कार्य भी करते थे। वह धीमारपुर गांव में अपने इसी छत नाम से स्थानीय लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए थे। झांसी में रहते हुए चंद्रशेखर आजाद ने गाड़ी चलानी भी सीख ली थी। 8 असहयोग आंदोलन के दौरान जब फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के पश्चात बिना किसी से पूछे गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, तो देश के तमाम नवयुवकों की तरह आजाद का भी कांग्रेस से मोह भंग हो गया और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, शचीन्द्रनाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी ने 1924 में उत्तर भारत के क्रांतिकारियों को लेकर एक दल हिंदुस्तानी प्रजातांत्रिक संघ H0R0A0 का गठन किया। चंद्रशेखर आजाद भी इस दल में शामिल हो गए। इस संगठन ने जब गांव के अमीर घरों में डकैतियां डाली ताकि दल के लिए धन जुटाने की व्यवस्था हो सके, तो यह तय किया गया कि किसी भी औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाएगा। एक गांव में राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में डाली गई डकैती में जब एक औरत ने आजाद का पिस्तौल छीन लिया, तो अपने बलशाली शरीर के बावजूद आजाद ने अपने उसूलों के कारण उस पर हाथ नहीं उठाया। इस डकैती में क्रांतिकारी दल के 8 सदस्यों पर, जिसमें आजाद और बिस्मिल भी शामिल थे, पूरे गांव ने हमला कर दिया। बिस्मिल ने मकान के अंदर घुसकर उस औरत की कसकर चांटा मारा, पिस्तौल वापस छीनी और आजाद को डांटते हुए खींचकर बाहर लाए। इसके बाद दल ने केवल सरकारी प्रतिष्ठानों को ही लूटने का फैसला किया। 1 जनवरी 1925 को दल ने समूचे हिंदुस्तान में अपना बहुचर्चित पर्चा द रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी बांटा, जिसमें दल की नीतियों का खुलासा किया गया था। इस पैम्फलेट में सशस्त्र क्रांति की चर्चा की गई थी। इश्तहार के लेखक के रूप में विजय सिंह का छद नाम लिया गया था। इस संघ की नीतियों के अनुसार 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड को अंजाम दिया गया। जब शाहजहांपुर में इस योजना के बारे में चर्चा करने के लिए मीटिंग बुलाई गई, तो दल के एकमात्र सदस्य अशफाक उल्ला खान ने इसका विरोध किया था। उनका तर्क था कि इससे प्रशासन उनके दल को जड़ से उखाड़ने पर तुल जाएगा, और ऐसा ही हुआ भी। अंग्रेज चंद्रशेखर आजाद को तो पकड़ नहीं सके, पर अन्य सर्वोच्च कार्यकर्ताओं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान एवं ठाकुर रोशन सिंह को 19 दिसंबर 1927 तथा उससे 2 दिन पूर्व राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को 17 दिसंबर 1927 को फांसी पर लटकाकर मार दिया गया। सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं के पके जाने से इस मुकदमे के दौरान दलपाई निष्क्रिय ही रहा। एकाध बार बिस्मिल तथा योगेश चटर्जी आदि क्रांतिकारियों को छुड़ाने की योजना भी बनी, जिसमें आजाद के अलावा भगत सिंह भी शामिल थे, लेकिन किसी कारणवश ये योजना पूरी न हो सकी।